दोस्तों, कई रियलिटी शो में से एक शो मीका दी बॉटी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी और इसकी खास वजह शो में आई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आकांक्षा पूरी थी, जो शो जीतकर मीका की राजकुमारी बन गई थी। और यहां तक कि सभी दर्शकों को लगने लगा था कि आकांक्षा पूरी के आने के बाद मीका की बॉटी ढूंढने की तलाश पूरी हो चुकी है। लेकिन शो पर अब कुछ गंभीर आरोप लग रहे हैं, जहां शो की एक कंटेस्टेंट ने शो के मेकर्स पर भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये सब स्क्रिप्टेड है। कौन है वो कंटेस्टेंट और क्यों कह रही है वो ऐसा, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल शो में आई और शो जीतने से एक कदम दूर रहने वाले कंटेस्टेंट नीत महल ने हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में बयान दिया, जहां उन्होंने स्वयं वर मीका दी बॉटी शो को लेकर कहा है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आकांक्षा पूरी मीका दी बॉटी शो जीत जाएंगी। उनके हिसाब से जब आकांक्षा शो में आई थी तो उन्हें नहीं लगा था कि वह मीका से शादी करने आई है, बल्कि एक्ट्रेस नीत महल को लगा था कि वह सिर्फ बाकी आई कंटेस्टेंट्स को गाइड करने आई है। नीत ने आगे ये भी कहा कि उनके पास इस बारे में कोई प्रूफ तो नहीं है कि मीका का स्वयंवर प्लान किया गया था और सब स्क्रिप्टेड था या नहीं, लेकिन शो के दौरान जब आकांक्षा पूरी टॉप 4 कंटेस्टेंट में शामिल हो गई तो उन्हें ये बात खटकने लगी और उस समय से नीत को लगने लगा कि ये सब एक प्लान के तहत हो रहा है, खासकर तब जब मीका आकांक्षा पूरी के परिवार से मिले। लेकिन तारीफ की बात तो ये है कि ऐसा मानने के बावजूद भी नीत और मीका काफी अच्छे दोस्त हैं और शो के बाद भी मीका उन्हें और उनके परिवार को लंच पर बुलाया करते हैं। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो मीका नीत को काम के मामले में भी गाइड करते हैं। एक्ट्रेस नीत महल के आरोप पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।